चलो बेटा क्लास 9 तैयार हो जाओ नोटबुक लेके। और मैथ में आपकी 3.3 एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी और उसके बाद फिर जो मैथ करेंगे क्वेश्चन लिखिए। जरा क्वेश्चन लिखिए, पहला लिखिए प्लॉट द फॉलोइंग टेबल इन द कार्टेशियन प्लेन। वन सेंटीमीटर इक्वल टू 2 माना जाएगा इधर ऑन द एक्स। देखिए आपको पेपर में जरूर आएगा ये ग्राफ, पेपर दे दिया जाएगा आपको, टेबल दे दिया जाएगा, फिर आंसर क्या आएगा इस ग्राफ पेपर को एच पेपर को ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले क्या करोगे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की ग्राफ बना लो, छोटा सा बना ज़्यादा लंबा नहीं, आसानी से आप सीख सको। चलिए ये हो गया इस तरीके से, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस ऐसे लिख लिए। सबसे पहले ड्रॉ करना चाहिए इस तरह दो लाइन कर लेना, ये नेगेटिव वाली होगी इधर भी नेगेटिव, तो ये अभी नेगेटिव होते हैं ये होगी दोनों पॉजिटिव कर लिए आप, ठीक है सीधे हाथ पर पॉजिटिव हो जाएगा और उल्टा हाथ उल्टे काम करता है नेगेटिव वाले, है ना। अब देखो एक्स पे क्या है माइनस थ्री, एक्स पे क्या है माइनस थ्री, तो ये x है और x माइनस थ्री का है यहाँ पर ऐसा, और प्लस में सेवन जाना है, प्लस में कहाँ जाना है हमें सेवन जाना है, प्लस का सेवन कहाँ पर, प्लस का सेवन कहाँ जाएगा बताओ, y पे जाना है, प्लस का सेवन कहाँ है y पे, एक ये लगा दिया ये पॉइंट, इन दोनों में जब हम जोड़ देंगे तो आप लिख सकते हो माइनस थ्री और समझ में आई बात। अगला देखो जीरो का पॉइंट थ्री फाइव, जीरो का पॉइंट थ्री फाइव, जीरो का पॉइंट थ्री फाइव कहां पर मिलेगा आपको, जीरो का पॉइंट थ्री फाइव कहां मिलेगा माइनस का थ्री फाइव, ये माइनस का है ना, माइनस का है थ्री पॉइंट फाइव, तीन यहां पर है और साढ़े तीन यहां पर हो एक तरीके से, और जीरो का ये है जीरो लाइन और थ्री पॉइंट फाइव फिर से करता है और देख सकते हो माइनस वन और माइनस थ्री, माइनस वन और माइनस थ्री कहाँ पर है, ये माइनस वन है और माइनस थ्री इसे आप लोग
ले सकते हो माइनस वन माइनस। ठीक है भैया, आगे क्या है, चार चार प्लस प्लस के चार है दोनों, ये भी प्लस का चार, ये भी प्लस का चार, आप इसे पॉइंट भी कर सकते हो। मैं यहाँ लाइन ऐसे ही से लिख रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ। टू पॉजिटिव का माइनस कर दिए, टू पॉजिटिव का है ये रहा, माइनस कर दिए का है ये रहा, टू पॉजिटिव का माइनस का ऐसे, तो ये आपका एक कंप्लीट फिगर इसका बन गया। नहीं बन गया, अभी मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा, एक टेबल और लिखूंगा, पहले से उतार लो आप, उतार लीजिए। 3.3 का पहला क्वेश्चन, 3.3 का पहला क्वेश्चन हम करने जाएंगे। 3.3 का पहला क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा, मैंने एक फालतू करा दिया, एग्जाम में आ सकता है, पूरी पूरी इसकी उम्मीद है मुझे। 3.3 का पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, मैं इसी बॉक्स में सेट कर देता हूँ, उसी बॉक्स में सेट कर देता हूं उसे मैं। क्वेश्चन नंबर 1.1 इसी बॉक्स में कर देता हूं। आपके तीन चैप्टर पूरे हो गए हैं, कल से हम चौथा चैप्टर ले रहे हैं।
पढ़ाते पढ़ाते और पढ़ते पढ़ते और देखते देखते और समझ में आ जाता, तो ये भी मालूम होगा। अब ये आपका 3.3 हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट जो खास है नहीं, तो आप खुद भी कर सकते हो। तो ये चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर 3 इज कंप्लीट। अब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए इसे कंप्लीट कर लो वर्क को, और कोई डाउट हो तो जितना मेरे डाउट की जरूरत पड़ेगी मुझे लग रहा है, जब तक के लिए मैं आपसे क्या चाहूँगा।